बंगाल में चार नगर निगमों के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। विधाननगर, चंदनगर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में पड़ रहे वोट। विधाननगर में पोलिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी में कहा सुनी, बीजेपी पर वोटिंग को धीमा करने का आरोप। बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने विधाननगर में डाला अपना वोट। सिलीगुड़ी में भी चल रही है वोटिंग, लोगों में उत्साह। हुगली में भी स्थानीय निकाय के चुनाव की वोटिंग जारी, मतदान केंद्रों पर भीड़। आज यूपी में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 9 जिले की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान। यूपी में 14 फरवरी को सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर में होगा मतदान। इन जिलों में मुस्लिम मतदाताओं का खासा प्रभाव। उत्तराखंड और गोवा के सभी सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। यूपी में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दमखम दिखाएंगे दिग्गज, दोपहर 3:30 बजे कन्नौज में रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर से करेंगे अपने प्रचार अभियान की शुरुआत, 2 घंटे बाद रैली। हिजाब प्रोटेस्ट के आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश, जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस भी आईएसआई की साजिश में शामिल, हिजाब पर प्रदर्शन भड़काने की साजिश। हिजाब विरोध को हवा देने के लिए साजिश रचा पाकिस्तान, बनाई गई वेबसाइट, आईबी ने किया साजिश का खुलासा। अलर्ट के बाद तमाम एजेंसियां एक्टिव, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को माना सेंसिटिव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, इस बार सरकार बनने के फौरन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट के लिए बनाएंगे कमेटी। मध्य प्रदेश के सागर में निर्माणाधीन रेलवे अंडरब्रिज की मिट्टी धसी, 2 की मौत। अजमेर में आनासागर झील में हादसा, सेल्फी लेने के चक्कर में झील में गिरी महिला, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। फतेहाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर ने बुजुर्ग को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के किराड़ी में हादसा, गंदे पानी में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत, नाराज लोगों का हंगामा। विशाखापट्टनम में अवैध ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने नष्ट किए 500 करोड़ के ड्रग्स। देश में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए केस, कल के मुकाबले 13% कम केस। केरल में सबसे ज्यादा 16,000 केस, महाराष्ट्र में 5,400 केस। 62% से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में, सिर्फ केरल में देश के 1/3 केस। सोमवार से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, जिम के लिए भी मोहलत, लेकिन स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, होटल को भी खोलने की इजाजत, सभी सरकारी और निजी दफ्तर पूरी उपस्थिति के साथ काम करेंगे।